आपको बताने वाले हैं कुछ यूनिक, ना ही इंग्लिश में एप्लीकेशन और ना ही हिंदी में एप्लीकेशन, सीधा संस्कृत में एप्लीकेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, सेवा में। संस्कृत में लिखते हैं सेवा में। उसके बाद क्या है, श्रीमंत प्राचार्य महोदया। देखिए दोस्तों, प्राचार्य महोदया भी लिख सकते हैं या फिर प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो दोस्तों महोदय और महोदया में बहुत फर्क होता है। महोदय दोस्तों हम तब लिखते हैं जब हमारे जो प्रिंसिपल है वो मेल होते हैं, और महोदया हम तब लिखते हैं जब प्रिंसिपल फीमेल होते हैं। जैसे आज क्या हुआ दोस्तों की एक दीदी आई हमारे पास एप्लीकेशन लिखवाने के लिए, क्योंकि उनको आता ही नहीं था, है ना। तो भाई तो हमने लिखा पहले महोदया, ठीक है, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल फीमेल है। तो कह रहे हैं ये गलत है, इसमें आ की मंत्र काटो पहले। हम कह आप ज्यादा जानती हैं, चुप रहिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा श्रीमंत प्राचार्य महोदया। अब नीचे उसके लिखेंगे स्कूल का नाम, जैसे कि है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। उसके नीचे दोस्तों क्या लिखेंगे, जहां पर आपका स्कूल है वो लिखेंगे, वो जगह का एड्रेस लिखेंगे। क्या है, प्रयागराज नगरस्य उत्तर प्रदेश। अब देखिए विषय है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है ना इंग्लिश में, उसी तरीके से संस्कृत में विषय क्या हो जाएगा, अवकाश प्रार्थना पत्रम। अब देखिए, अब यहाँ से दोस्तों लिखना स्टार्ट करेंगे, महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम अकस्मात शिरोवेदना पीड़िता। शिरोवेदना पीड़िता मतलब क्या होता है, मतलब सिर में दर्द। अस्ति अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थम अस्मि, मतलब कि इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः कृपया मम दिनदस्य अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, मतलब कि दोस्तों इसलिए हमें दो दिन की, इसका मतलब क्या हो गया, दो दिन की छुट्टी प्रदान करें। अब यहाँ पे जैसे दोस्तों हिंदी में लिखते हैं ना आज्ञाकारी शिष्या, उसी तरीके से दोस्तों संस्कृत में हो जाएगा भवदीय शिष्या। शिष्या मतलब दोस्तों जब कोई लड़की लेटर लिख रही है, शिष्या मतलब दोस्तों कोई लड़की एप्लीकेशन लिख रही है तो शिष्या लिखेगी, और लड़का लिख रहा है तो शिष्य लिखेगा। फिर यहाँ पे अपना नाम, और फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे कक्षा, यानी जिस क्लास में पढ़ते होंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से हमने आज देखा संस्कृत में प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, यानी कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, है ना, सबसे यूनिक। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद जय भारत।